महालक्ष्मी नगर स्थित पुष्प विहार कॉलोनी के प्लाट धारकों को प्लाट मिलने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। करीब आधे प्लाट धारकों को प्लाट का कब्जा दे दिया गया है, बाकी बचे प्लाट धारकों के लिए आज एक आम सभा बुलाई गई है जिसमें सैकड़ों प्लाट धारकों ने अपनी बात रखी। गौरतलब है कि करीब 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्लाट धारकों को अपने प्लाट मिलने की उम्मीद जागी है। प्लाट धारकों में प्रसिद्ध कवि सरोज कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 30 वर्ष पूर्व खरीदे हमारे प्लाट पता नहीं किस किस को बेचते, लेकिन आज हमें हमारे प्लाट मिलना शुरू हुआ इसकी खुशी है। जिन्होंने अपने सपनों के साथ यह प्लाट खरीदे थे वह सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन न्याय देर से ही सही लेकिन मिलने की उम्मीद जागी है। और सभा में आए अधिकतर प्लाट धारक उम्र के आज उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो भागदौड़ नहीं शांति का जीवन चाहते हैं। टूटे हुए सपने अपनी जेब में लिए बैठे अधिकतर बुजुर्ग अभी भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। इस तरह की विशेष आम सभा रखी गई है और पूरा प्रकरण को और किस तरह निपटाया जा रहा है? देखिए, ये इंदौर के प्रशासन का हम लोगों पर बड़ी कृपा है। उन्होंने इस बात की जड़ को समझा कि ये सब है उठ कहाँ से रहा, ये अन्याय की जड़ क्या है। तो उन्होंने समझा कि संस्था के पदाधिकारी जो निर्णय ले रहे हैं, सहकारिता विभाग भी जो निर्णय ले रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक आम सभा बुलाओ, जितने भी जो बोगस बिक्री हो रही है सबकी जानकारी में है और ये धड़ाधड़ सब काम गलत सलत हो रहा है, तो इस पर रोक लगाने के लिए AGM में ऐसा किया जाए कि सर्वसम्मत निर्णय ले लिया जाए कि सारी रजिस्ट्रियाँ शून्य कर दी जाए, सदस्यों को नहीं जाना पड़े कोर्ट कचहरी। ये सबसे बड़ा निर्णय था, उसी के लिए यहाँ बुलाई गई थी आम सभा। और इसमें और भी चर्चाएं हुई, अच्छी चर्चाएं हुई और हमारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन जैसा अच्छा अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है और हमें लगता है कि हमारे सबके अच्छे दिन आ रहे हैं। जो सालों से रजिस्ट्री धारक परेशान हो रहे हैं, उनको कब तक उम्मीद है अब कि उनका हक मिल सकेगा? देखिए, 50% को हमने कब्जा दे दिया, इसकी फ़ोटो ज़रूर उतारिएगा। ये बबूल के जंगल में ये जो मंगल दिख रहा है बाउंड्री का, यह खुद सब कुछ बयान कर रहा है इसमें। और आप 1 महीने बाद देखेंगे कि ये सब कलरफुल हो जाएगा, सबकी बाउंड्री वॉल बन जाएगी और सारे लोगों के घरों में खुशियाँ, अपार खुशियाँ हैं। इतनी खुशियाँ मैंने भी कभी जीवन में नहीं देखी कि कभी कभी कोई लोग इतने खुश हो सकते हैं। सर, एक सवाल है, एक ही प्लाट कईयों को बेचा गया, इसमें से सही को कैसे दिया जाएगा? फर्स्ट रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, संवैधानिक व्यवस्था है। पहली रजिस्ट्री वाले को प्लाट देने का हक है हर सरकार को, इसके बाद दूसरा और तीसरा उसमें अपना विरोध प्रकट कर सकता है। और न्यायालय से ऑर्डर आकर आता है कि पहले को नहीं तीसरे का सही है तो ही तीसरा आएगा, लेकिन सर्वप्रथम अधिकारियों को ये कर्तव्य है कि वो पहली रजिस्ट्री को मान्यता उसी प्रकार देंगे जिस प्रकार की विधि मान्यता है। देखा जाए तो पहले को आप दे रहे हैं लेकिन चारों के साथ तो ठगी हुई है, कहीं ना कहीं वो तो ठगा महसूस करेगा अपने आप? वो ठगा महसूस करता है, उसके लिए उसको सजा दिलाने के लिए कोर्ट, न्यायालय और सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे अतिरिक्त बाहर जाके कोई कुछ उनकी मदद नहीं कर सकता। आपका शुभनाम? NK मिश्रा, महासचिव प्लाट धारक समूह पुष्प विहार प्लाट। वहीं पुष्प विहार प्लाट धारक समूह के चेयरमैन NK मिश्रा के अनुसार प्लाट धारकों ने सबसे ज्यादा पुरानी जिसकी रजिस्ट्री है, मतलब सबसे पहली जो रजिस्ट्री है, उसको प्लाट का हक दिया जा रहा है। बाकी के प्लाट धारक जिनके साथ धोखाधड़ी अटकी हुई है उनके लिए न्यायालय का रास्ता खुला है। Thank you.
सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से ये आम सभा हो रही है और प्लाट धारकों को प्लाट मिलने का रास्ता साफ हो रहा है, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है? भाई यही कहना चाहूँगा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति को अपनी खरीदी हुई संपत्ति के लिए इतनी लड़ाई इस प्रजातंत्र में लड़ना पड़ रही है, जबकि प्रजातंत्र में तो प्रजा का शासन होता है और प्रजा उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 30-30 साल पहले खरीदे गए प्लॉट हम लोगों को आज तक नहीं मिले, अब मिलना शुरू हुए हैं। ये हमारे प्लॉट जाने किस किस को बिकते रहे हमको नहीं मालूम। सुनते थे उसने खरीद लिए हैं, पूरी कॉलोनी उसने खरीद ली है, पूरी कॉलोनी उसने खरीद ली है, और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता था। हमारे भाई लेकिन कुछ हमारे मित्र लगातार लड़ते रहे इस आशा के साथ कि एक दिन उनकी विजय होगी, और उनकी विजय हुई। कितने खुशी की बात है, आज वो व्यक्ति जिसने अपने सपनों के साथ प्लॉट खरीदा था, यद्यपि वो सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि संसार में न्याय चाहे देर से मिले मिलेगा, अंधेर है देर है पर न्याय होगा देर से। इसलिए देखिए इतने लोग आए, सबके मुख पर एक प्रसन्नता का भाव है। और मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी, इन लोगों का क्या, इनको चुनाव लड़ना है क्या, इनको हम कुछ पैसा देते हैं क्या? लेकिन नहीं, उनके मन में है कि मेरे मित्रों के साथ अन्याय हुआ है और उससे मैं लड़ूंगा। तो मित्रों, ये लोग जो आए हैं सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, सबके अपने अपने प्लॉट हैं, सबके अपने अपने विलंब हैं, सबके अपने अपने टूटे हुए सपने उनकी जेब में हैं, लेकिन आज आशा की किरण के साथ वो यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही जो शेष कार्य है वो भी संपूर्ण होगा और पूरी तरह से न्याय हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लंबा समय, किस तरह की मानसिक पीड़ा? हाँ, मानसिक पीड़ा, कितनी मानसिक पीड़ा, टोटली बिक गया, उसने खरीद लिया, क्या करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। लगता था गया, मैं तो भूल ही चुका था, एक प्लॉट एक बच्ची का था, उसको बेच बाज कर मिट्टी मोल ये भी बेच रहा था कि मिश्रा जी ने कहा कि रुक जाइए सरोज कुमार जी, रुक जाइए और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे करते करते 2.5-3 साल हो गए। तब जा कर के आज वो दिन आया है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं जीवित रहा इसलिए आया है, अन्यथा कौन जीवित रहता है 84 साल। कब कितने फ्लैट दिया था वो चले गए, जिन्होंने दोबारा खरीदा था वो चले गए। लेकिन ठीक है, कुछ न्याय होना होगा, हम बचे रहे और शायद उसका उपभोग हमारी पीढ़ियों के लिए कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।